हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनू डायरीज। देखिए, आजकल ना लोगों में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वो बहुत परेशान रहते हैं। चाहे उनके पास लाइफ में अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, नौकर चाकर है, गाड़ी भी है, लेकिन उनको जो मन की शांति है ना वो नहीं मिलती। वो बहुत परेशान रहते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आती, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। कल ऐसे ही मेरी भी एक फ्रेंड का फोन आया। उनके पास सभी कुछ है, बच्चे भी अच्छे हैं, हस्बैंड भी अच्छा है, घर में सभी कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने बताया, पता नहीं क्यों वीनू मुझे नींद नहीं आती है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कभी कुछ दिक्कत बनी ही रहती है। देखिए, सारी बीमारियाँ कहाँ से आती हैं? सारी बीमारियाँ आती हैं हमारे दिमाग से। देखिए, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही धीरे धीरे हम बनते चले जाते हैं, और अपने दिमाग में हम इतना कूड़ा कचरा भर लेते हैं। समझ रहे हैं ना, कूड़ा कचरा मैं किसको बोल रही हूँ? नेगेटिविटी को। इतने बुरे थॉट्स, इतने बुरे विचार अपने माइंड में भर लेते हैं, उन्हीं से पहले वो हमारे दिमाग को डैमेज करता है, और फिर धीरे धीरे वो हमारे शरीर को डैमेज करने लगता है। सभी कुछ अच्छा होते हुए भी हमें नींद क्यों नहीं आती है? हम खुश क्यों नहीं रहते हैं? क्यों परेशान रहते हैं? आज मैं आपको यही बता रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी बात को सोचते रहते हैं तो उस बात को बाहर ही नहीं निकालते, उसको क्या है, अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो उसके भाव भी हमारे अंदर पनपते रहते हैं कि ऐसा होना था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, और हमारा दिमाग फिर उसको हमें भूलने ही नहीं देता। और यही रीजन है कि आज लोग इतने परेशान रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी उनको मन की शांति नहीं है, उनको अच्छे से नींद नहीं आती, उनको कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है कम एज में, क्योंकि हम किसी बात को भूल ही नहीं पाते। और जब उसको भूल नहीं पाते, हमारे माइंड में वो कहीं ना किसी कोने में, चाहे वो हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे पास कुछ भी हो जाए, जब हम उस बात को भूल ही नहीं पाएंगे तो माइंड के किसी की ना किसी कोने में ना वो बात अटकी रहेगी, वो हमें याद आती रहेगी, और हम उससे अपने दिमाग को दुख पहुंचाते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। और देखिए, पहले तो हमारा दिमाग डैमेज होता है, दिमाग परेशान होता है, और फिर धीरे धीरे वो हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, हमारा शरीर खराब हो जाता है, इसको कष्ट देता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी आपका बीता हुआ है, कुछ भी ऐसा बुरे पल है, कुछ भी ऐसी बुरी यादें हैं, उसको याद नहीं रखना है। उसके लिए आपको माफ करना होगा, उन लोगों को माफ करना होगा, उन सारी बातों को भूलना होगा। जब हमारे माइंड में वो ही बातें घूमती रहती है ना, हम परेशान रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा जरूर रहता है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कह रही हूँ, जो आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी उम्र में ये बीमारियां लग जाती हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, कोई सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है, नींद नहीं आती, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ऐसी यादें हैं जिनको हम नहीं भुला पा रहे हैं। उनको भुलाइए, और भुलाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माफ करना होगा। देखिए, जो आपने किया वो आपके संस्कार थे, जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके संस्कार थे, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, भूल जाइए उस बात को। तो देखिए, जब आपका माइंड शांत होगा ना, आपके माइंड से जब कचरा हटने लगेगा, तो आपका जो शरीर है ना, जो जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आप बीमार रहने लगे हैं, उठने को मन नहीं करता है, ये अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएंगे आप, अच्छा लगेगा आपको। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि माफ करना इतना आसान नहीं होता, हम माफ कैसे करें, हम भुला नहीं पाते, हम अपने पास्ट को नहीं भुला पाते, क्यों नहीं भुला पाते हैं? आप ये सोचिए, जो होना था वो पहले से ही डिसाइड था, जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है वो तब भी होगा, आप चाहे तो भी होगा, ना चाहे तो भी होगा। तो फिर काहे की आप परेशानी लेते हैं, किस तरह की आप अपने माइंड में नेगेटिविटी लेकर आते हैं? और सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ, अपने आप को ही माफ करिए, जिसकी वजह से जो दर्द आपने अपने मन को दिया है, जिसकी वजह से आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी, कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है, उसके लिए माफ करिए अपने आप को, कि अब से मैं लोगों की बातों को दिल पर नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी।
जो भी मुझे कोई कह रहा है, कोई बात नहीं, कहने दो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं अपने आप को माफ करती हूँ या माफ करता हूँ किसी भी तरह की, मैं कोई भी परेशानी, नेगेटिविटी अपने माइंड में इकट्ठा नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। इसलिए अपने आप को क्षमा करिए। दूसरा पॉइंट है, आपने अगर किसी का दिल दुखाया है, आपने अगर किसी को भी अपशब्द कहे हैं, कुछ भी ऐसा कहा है, तो उसके लिए भी माफी मांगिए, या तो माफी मांगिए या बोलिए कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, पहले खुद को क्षमा किया, फिर हमने जो दूसरों को कष्ट दिया उसके लिए हमने माफी मांगी। या तीसरे पॉइंट पे आता है, जो लोगों ने आपके साथ किया, जो लोगों ने आपके साथ मिसबिहेवियर किया, जो लोगों ने आपको कष्ट दिया, उसके लिए उन लोगों को भी माफ कर दीजिए। अगर आप इन तीन बातों को याद रखेंगे, इन तीन बातों को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेंगे, तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। दोस्तों, माफ करना सीखिए और आगे बढ़ जाइए। माफी एक ऐसा गुण होता है जिसमें यह होता है ना, वो सभी कुछ भुलाकर अच्छा ही अच्छा करता रहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लेके आती रहती हूँ जो आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाता है।